कल जो हमने प्रोग्राम किया था ये वाला, ठीक है, इस प्रोग्राम में हमने सीखा था कि एक एरे जो हमने डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया था, इस कांस्टेंट में 6 वैल्यू पास की थी, फिर एक एरे डिक्लेयर किया था उसके अंदर उसकी कांस्टेंट हमने बताए थे, तो इसके 6 एलिमेंट्स क्रिएट हो गए थे। सी आउट करके जब हमने यहाँ पे लिखा एंटर द आवर्स वर्क बाय, और यहाँ पे कांस्टेंट दिखाया था जो उसकी वैल्यू है, और यहाँ पे एम्प्लॉयज दिखाया था, तो हमें 6 एलिमेंट में इनपुट लेने के लिए 6 दफा इनपुट की स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना पड़ा। बात समझ में आ रही है? और आउटपुट के टाइम भी सी आउट की स्टेटमेंट में 6 ही बार हमें उसको एज आउटपुट के तौर पे बार बार रिपीट करना पड़ा। अब एक आइडिया है आपके लिए कि मिसाल के तौर पे अगर आपको यहाँ पे 600 लिख दिया जाए तो एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, आप बताइए बेटा, 600 हो जाएगी। तो यहाँ पे इनपुट वाली स्टेटमेंट कितनी बार लिखनी होगी अदील, आप बताइए बेटा, इमरान कितनी बार लिखनी होगी, 600 बार ही लिखेंगे ना। हाँ, तो 600 कर देंगे तो यहाँ 600 बार ही लिखेंगे ना इनपुट। तो आउटपुट बताएं बेटा कितनी बार लिखनी पड़ेगी आउटपुट वाली स्टेटमेंट, 600 बार लिखनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर यहाँ 1200 कर लें, तो मतलब हो ये रहा है कि अगर आप एरे की लेंथ बढ़ाएंगे तो यहाँ इनपुट की लेंथ भी बढ़ेगी और आउटपुट की लेंथ भी बढ़ेगी, और इस तरह आपका प्रोग्राम बहुत हैवी हो जाएगा, जबकि काम तो वो इनपुट और आउटपुट का ही कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इस चीज का सोल्यूशन इसने हमें ये प्रपोज किया आगे, ये कह रहा है कि इस तरह से आप जब काम करेंगे तो आपका प्रोग्राम का साइज भी बढ़ेगा और आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों ना इस काम को एक स्मार्ट तरीके से किया जाए। तो इस काम को करने के लिए ये कह रहा है इवन दो द साइज डिक्लेयर्ड ऑफ एन एरे डेफिनेशन मस्ट बी कांस्टेंट और लिटरल सब स्क्रिप्ट नंबर्स कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस मेक इट स्पेसिबिलिटी लूप। तो कह रहा है इस काम को आप एक लूप के जरिए कर ले, LOOP लूप, जिसमें वो साइकिल थ्रो करेगा। साइकिल थ्रो का मतलब बार बार उस चीज को रिपीट करता रहेगा, एन इंटायर एरे परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन ईच एलिमेंट, और ये एरे के तमाम एलिमेंट पर एक ही ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसने से नहीं है। अब यहाँ पे एक नई चीज समझाई है और दो बातें इसने यहाँ पे भी कही है। लूप क्या होता है? लूप जैसे आपको पढ़ाया कि एरे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एलिमेंट है जिसका काम है मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करना, ऐसे लूप भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एलिमेंट है जिसका काम है एक ही स्टेटमेंट को, मतलब प्रोग्राम की कोई भी स्टेटमेंट 1 है या 10 है उनको बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। अब कितनी बार करना है, कैसे करना है, वो इसके फंक्शन में हम सीखेंगे भी। ओके, तो दूसरी बात इसने बताई कि देखें जब साइज, जो साइज डिक्लेरेटर है, अब मुझे बताएं कल हमने पढ़ा था साइज डिक्लेरेटर के बारे में, यानी कि यहां यहां पर जो नंबर डाला जाएगा या तो वो कॉन्स्टेंट नंबर होगा या नेम कॉन्स्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं आ सकता, और यही सवाल में भी आपको दिया था, ठीक है। लेकिन लेकिन कह रहा है सब स्क्रिप्ट नंबर्स कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल, लेकिन यहां पर सब स्क्रिप्ट में असाइनमेंट और इनपुट और असाइनमेंट में, ठीक है, असाइनमेंट और आउटपुट में सब स्क्रिप्ट यहां पर जहां 0, 1, 2, 3 कांस्टेंट नंबर लिख रहे हैं यहां वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर कांस्टेंट लाजमी है, यहां पर वेरिएबल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फर्क है हम समझते हैं। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, जैसा लिखा है वैसी प्रोग्राम में परफॉर्म होगा, ना पे वहां उसकी वैल्यू अपडेट होगी, ना माइनस होगी ना प्लस होगी। वेरिएबल एक ऐसा एलिमेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो अपनी वैल्यू को अपडेट भी कर सकता है, यानी कि चेंज भी कर सकता है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो सब स्क्रिप्ट में वेरिएबल बतौर एलिमेंट के नंबर की जगह पे यूज किया जा सकता है, जबकि साइज डिक्लेरेटर में नहीं कर सकते, यहाँ कॉन्स्टेंट रिक्वायर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले लूप के बारे में हमने एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं, तो यहाँ पर फिर हम चलेंगे इसको कैसे करना है। यहाँ से मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ और उसमें मैं आपको लूप को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम आपको दिखाया, ये हमने प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखा, ठीक है, और ये हमने रिटर्न 0 पे हैंड कर दिया। अब आइए, जिस लूप की मैं बात कर रहा हूं उस फंक्शन का नाम है फोर, ठीक है। अब फोर फोर के दो ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, और इसका एक ब्लॉक ब्रैकेट होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात।
यहां पर हम लूप की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे। अब लूप की फंक्शनैलिटी क्या है, लूप कैसे शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, कहां पर एंड होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टार्ट और एंड से पहुंचने तक का मेथड। 111 करके आए, 222 करके आए, 33 करके आए, कैसे, तो उसको कैसे डिफाइन करना है। एक इंटीजर वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लेना है, मैंने डिक्लेयर कर लिया इंटीजर, उसका वेरिएबल का नाम रखा है काउंट और उसकी वैल्यू क्या रखी है, 0 बिफोर द लूप। और लूप के कंडीशन में उसकी वैल्यू को मैंने सेट किया काउंट असाइनमेंट 1, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसके लूप का इनिशियल पॉइंट। फिर एंडिंग पॉइंट काउंट लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि 1 से शुरू करना है, 100 या 100 से एक स्टेप पीछे, अगर 100 तक जा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 100 तक नहीं जा पा रहे तो 99, ठीक है। और यहां पे मैंने किया है काउंट प्लस प्लस। अब प्लस प्लस का मतलब ये कि 1 से लेके 100 तक आने के लिए आपने ईच टाइम क्या करना है, 1 प्लस करना है, किसमें, काउंट के अंदर। तो काउंट एक वेरिएबल है, तो जब 1 प्लस होगा तो 2, 2 प्लस होगा तो 3, अपनी वैल्यू को अपडेट करता रहेगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, तो हम इस बात को कैसे समझेंगे, यहां पर है लूप के चक्कर। चक्कर क्या है, जैसे घड़ी का काटा 12 से शुरू हुआ और ये घूम के आया दोबारा 12 के ऊपर, इसको उर्दू में हम कह रहे हैं चक्कर, इसकी टर्म में हम तो कहते हैं आइटरेशन। क्या कहते हैं, एक कंप्लीट साइकिल जब पूरी होती है तो उसको एक 1 आइटरेशन कहते हैं, दो चक्कर हो गए तो 2 आइटरेशन। तो अब जब ये लूप चलेगा, अब एक सवाल है बहुत आसान सा, जब ये लूप चलेगा तो अबू बकर बताएंगे कितने आइटरेशन करेगा ये, बिलाल 1 आइटरेशन करेगा, अरमान 100 आइटरेशन करेगा, भाई एक कंप्लीट चक्कर के लाएगा 1 आइटरेशन, तो यहां कितने आइटरेशन करेगा ये, 100 करेगा, क्यों, क्योंकि एक से शुरू होना है और एक से लेके जाना है 100 तक, तो जब ये 100 दफा अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा तो ही ये 100 आइटरेशन करेगा, और जब ये 100 आइटरेशन करेगा तो इसके ब्लॉक में लिखा हुआ जो भी कोड है, 1 लाइन का है, 1000 लाइन का कोड है, उसको उतनी बार परफॉर्म करेगा 100 दफा, तो हर चक्कर में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा, 8 दफा, 9 दफा और 10 दफा इस कोड को परफॉर्म करेगा, 100 दफा ये कोड को परफॉर्म करेगा और करता रहेगा, सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो कर रहा है 100 चक्कर एक से ले तक 100 तक पहुंचने के लिए, अगर मुझे इसके चक्कर 50 करने हैं तो क्या चेंज करना पड़ेगा। अब इसके तीन तरीके बताता हूं मैं आपको, एक तरीका 100 की जगह 50 कर देंगे, प्रोग्राम को चला के देखते हैं तो ये 50 दफा इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, सही है। दूसरा, आप इसको 100 रहने दें, इसको इस इनिशियल पॉइंट को चेंज करके 50 कर दें तो भी ये 50 टाइम्स इसको परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि 51 से शुरू करेगा ना, सही है। तीसरा, आप इसको भी 1 रहने दें, आप यहां पर डबल प्लस की जगह, प्लस प्लस की जगह प्लस इक्वल लगा दें और 2 लगा दें, ये हमने लगा दिया प्लस इक्वल असाइनमेंट 2, इसका मतलब है काउंट की वैल्यू में ईच टाइम कितने प्लस करना है, 2, 1 प्लस 2 2 हो गई, 3, 3 प्लस 2 5, प्लस 2 7, इस तरह चलेगा, तो भी इसके चक्कर कितने हो जाएंगे, 50। समझ में आ रही है बात, तो तीनों तरीके से हम इसके आइटरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि नहीं ये 50 नहीं, 50 के भी हाफ कर दें, 3 कर देंगे यहां पे, तो अब कितनी बार परफॉर्म करेगा ये, कितने आइटरेशन चलाएगा, 1 के 4, 24, ठीक है। और अगर हम इसको 5 कर देंगे तो अब कितनी बार चलाएगा, 10 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम्स। और अगर हम इसको 10 कर देंगे तो अब कितने आइटरेशन चलाएगा, समझ में आ रही है बात, इस तरह से आप इसके आइटरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तीनों तरीके से मैंने करके बताया आपको। अब यहां पे हम प्लस प्लस कर देते, ओके। सो अब यहां पर एक और बात आ गई, मैंने यहां पे लिखा सी आउट, दिखाओ सी लेस देन काउंट। यहां पर मैं आपको दोनों चीजें बताना चाह रहा हूं, काउंट क्या है, एक वेरिएबल, लेस देन डबल कोट्स में यहां 66 लिखा है और आगे रौनक लिखा है, ये क्या है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है कॉन्स्टेंट और ये है लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल मतलब नंबर। जब डबल कोट्स में कोई आप वैल्यू लिखेंगे तो जैसे लिखेंगे आइदर वो नंबर है, आइदर वो टेक्स्ट है, आइदर वो सिंबल है, एज इट इज परफॉर्म होगा,
वेदर, जब आप कोई वेरिएबल लिखेंगे और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन पहले से हो रहा है, तो जो ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होगा वहां पर वो अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा। ये देखिए, सी आउट ने, काउंट वेरिएबल ने अपनी वैल्यू को यहाँ पे अपडेट किया। वाइल 66 एक लिटरल नंबर था, रिपीट होता रहा। रौनक एक स्ट्रिंग था, रिपीट होता रहा। उसमें कोई स्टैटिक सिंबल था, रिपीट होता रहा। जबकि वेरिएबल अपनी वैल्यू को मुतवातिर अपडेट, सही है? तो इसका मतलब वेरिएबल इस तरह से अपनी वैल्यू को अपडेट करता है। अब थोड़ा सा एक चेंज करता हूँ आपको समझाने के लिए। इसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 ही रखी थी और मैं यहाँ पे भी 0 कर देता हूँ, सही है? अब ये लूप कितनी बार चलेगा इमरान बताएगा, कितने आइटरेशन करेगा ये? वन हंड्रेड वन करेगा, सही है ना? जब स्टार्ट होगा 0 से तो 100 करेगा। तो यहां पे हमने कर दिया, सही है? ओके। अब अगर मैं ब्रेकेट में कुछ ऐसे लिख दूं, अब क्या करेगा ये? और यहां पे थोड़ा आपको समझाने के लिए स्पेस भी दे दूं, वरना दोनों नंबर मिल जाएंगे। अब यहां पर होगा ये कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। यहां पे दिखाएगा 0 और यहां पे दिखाएगा 1। फिर दूसरे चक्कर में यहां दिखाएगा 1 और यहां क्या दिखाएगा? अब आपसे एक सवाल है, क्या काउंट की वैल्यू एक बार अपडेट हो रही है या काउंट की वैल्यू 2 बार अपडेट हो रही है? बस इसका जवाब देना आपने। आउटपुट देख ले, दो बार अपडेट हो रही है। गलत, काउंट की वैल्यू एक बार ही अपडेट हो रही है, लेकिन यहां पे डिस्प्ले सिर्फ हो रहा है। डिस्प्ले कराने में और अपडेट करने में फर्क है। कैसे, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में $200 हैं। पाकिस्तान के खजाने में कितने हैं? वो उसकी जाती वैल्यू है, ठीक है? और $200 तो हैं उनके पास, ये उसमें किसी ने $50 डिपॉजिट किए, कितने हो गए? 250। तो अकाउंट अपडेट हो गया। अब मिसाल के तौर पे हमें पाकिस्तान के खजाने में तो $250 है, शो करने हैं $2,000, तो क्या करेंगे? तो मैं पाकिस्तान का एक फ्रेंड बनूंगा और मैं कहूंगा आई एम फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, ये $250 उसके, और मैं चूंकि फ्रेंड हूं तो मैंने भी अपना अकाउंट उसके साथ शो कर दिया। बात समझ में आई? तो पाकिस्तान के अकाउंट में कितने हो गए? $2,000। लेकिन पाकिस्तान के अकाउंट में कितने डॉलर्स हैं? अब आप अपने ऊपर रखें मिसाल, आपके अकाउंट में है ₹200, आपने अकाउंट चेक कराया ₹200, आप एक खरीद रहे 2,000 वाली चीज, वो कह रहा आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं आया, कितने हैं भाई तेरे पास, कम कितने पड़ रहे हैं? बोला भाई 200 हैं, अगर 2,000 हैं तो ये अंदर जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरा अकाउंट है। उसके साथ मैंने उसको अपना अकाउंट दिखा दिया, उसमें थे $2,000। उसने कहा ठीक है चले जाए। तो मतलब उसने क्या किया, 2,000 के साथ 200 किया, 2,250 हो गए, इसकी वर्थ बढ़ गई, लेकिन इसके पास तो 200 ही थे। तो यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है कि अपडेट तो यहां हो रहा है, ये हमने उसके आगे लगा दिया कि भाई जो भी वैल्यू काउंट की उसमें प्लस करके 1 दिखा दो। दिखा रहा जरूर है, अपडेट नहीं कर रहा। अगर अपडेट करता तो क्या होता, यहाँ पे 0 था ना, तो यहाँ पे भी अपडेट हो गया, तो यहाँ 1 हो गया, फिर तो यहाँ तो 2 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ पे फिर 3 आना चाहिए था। ऐसा तो नहीं हो रहा, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। जब 0 इधर आ रहा है तो इधर 1 दिखा रहा है, जब इधर 2 आ रहा है तो इधर 3 दिखा रहा है। दिखा रहा है अपडेट से, एक दफा ही हो रहा है, ये समझा रहा हूँ। अपडेट कैसे होता है? अपडेट ऐसे होगा, ये देखिए, जब मैं इधर लिख दूंगा ना आगे, फिर से लिख दूंगा प्लस प्लस, अब ये 2 बार अपडेट हो जाएगा। देख रहे हैं, 1 अपडेट हुआ, कितने हो गया? 0 अपडेट हुआ, 1 अपडेट हुआ, 3 अपडेट हुआ, 2 हो गया, इधर दो दो प्लस हो रहे हैं, देख रहे हैं ये अपडेट हो रहा है। तो मैंने अपडेट नहीं किया था, वहां से डिस्प्ले करना था, इसलिए क्या लिख दिया था, प्लस 1। ऐसे भी हम कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल से, ठीक है? समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको समझ में आ गया लूप का फंडा।
ठीक है, लूप कैसे काम कर रहा है। अब वही काम जो मुझे 100 दफा लिखना पड़ता, एक ही लाइन को मैंने 100 दफा परफॉर्म करा लिया, मेरा काम आसान हो गया। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो वो ये कह रहा है कि आप भी ये अपना प्रोग्राम इस तरह लिख सकते हैं कि आपको ये स्टेटमेंट 6-6 बार 8-8 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखेंगे, लूप से उतनी बार परफॉर्म करा लेंगे जितनी बार आप चाह रहे हैं। कैसे? आइए अब इसको हम प्रोग्राम के जरिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये लीजिए, तो आइए अब हमने प्रोग्राम कैसे लिखा। सबसे ये देखें, ये प्रोग्राम का कोई हिस्सा नहीं है, ये कमेंट्स आपको समझाने के लिए, समझाने के लिए, समझाने के लिए, समझाने के लिए, और ये भी समझाने के लिए। आइए यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे रिटर्न 0 हो गया, ऐड हो गया। तो ये स्टेटमेंट में हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया, नम अंडरस्कोर इम्प्लॉइज, और उसकी वैल्यू क्या रख दी, 10। एक एरे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का जिसमें नम एम्प्लॉइज रख गया, तो इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो गई फिलहाल, 10, सही। और यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लिया, तीन चीजें ली हैं, एक इंटीजर वेरिएबल, एक इंटीजर एरे, एक इंटीजर कांस्टेंट, तीनों को डिक्लेयर किया है, तीनों को आपने समझना है। कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यूज होती है, एरेज मल्टीपल वैल्यू होल्ड करता है और अपडेटेबल होता है, वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करता है एक वक्त में, अपडेटेबल होता है, ठीक है। आ जाएंगे, अब इसने फोर का लूप लगाया, कह रहा है काउंट की वैल्यू 0 से शुरू करो और कहां पर लेके जाओ, जो नम अंडरस्कोर एम्प्लॉइज की वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 10। स्टार्ट विद 0 गो टू 10, लेकिन यहां पे क्या लगाया है, लेस देन लगाया, लेस देन इक्वल टू लगाया, तो कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 9 तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो 0 से जब 9 तक जाएगा तो ऑलरेडी वो 10 काउंट हो जाएंगे, 0 से 9 काउंट करेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो आइटरेशन क्या लगाया, एक आइटरेशन लगाया, डबल आइटरेशन लगाया, सिंगल आइटरेशन लगाया, डबल आइटरेशन लगाया, सिंगल आइटरेशन लगाया, तो आइटरेशन टोटल कितने काउंट होंगे अबू बकर, फिर से सवाल वही आया जो भी पढ़ा था। हाँ अमन, कितने दफा आइटरेशन होंगे, अरमान आप बताएं, 10 टाइम्स होंगे ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए ना 10। तो 10 चक्कर लगाएगा ये, जब 10 चक्कर लगाएगा तो इसके ब्रैकेट्स में जो स्टेटमेंट लिखी है उसको कितनी बार परफॉर्म करेगा अमान, जब ये 10 आइटरेशन पूरे करेगा, 10 चक्कर लगाएगा, तो इसकी ब्रैकेट में लिखी हुई जो स्टेटमेंट इसको कितनी बार परफॉर्म करेगा, एक्सीलेंट, तो मैं 10 चक्कर लगाएगा तो हर चक्कर में एक दफा परफॉर्म करेगा। तो जब फर्स्ट टाइम में परफॉर्म करेगा तो ये एक मैसेज दिखाएगा और यहाँ पे नम इम्प्लॉइज की वैल्यू दिखाएगा जो कि क्या है, 10, और उसके आगे ये ऐसी सिंबल है स्पेस का शो करेगा, और उसके आगे ब्रैकेट में काउंट प्लस 1 दिखाएगा। यहां पर क्या आउटपुट आएगा फर्स्ट टाइम में, 1, एक्सीलेंट। क्यों 1 आएगा, देखें इसकी वैल्यू 0 जरूर है लेकिन इसकी वैल्यू के साथ उसने 1 प्लस करके दिखाया है, तो 0 में 1 प्लस कितने होंगे, 1, और यहां पर कॉलन प्रिंट होगा और अगली लाइन पर उसने इनपुट लिया है सी इन ग्रेटर देन एरे का नाम, और इसको क्या कहते हैं इमरान, सबस्क्रिप्ट, एक्सेलेंट, और उसके अंदर क्या लिखा है इसने, काउंट मतलब वेरिएबल का नाम, ओके। यहां पर फर्स्ट टाइम में जब लूप चलेगा काउंट की वैल्यू यहां पर क्या होगी, अमन अदील, फर्स्ट टाइम में जब लूप चलेगा यहां पे काउंट की वैल्यू क्या होगी, ओके अबू बकर, 0। देखो अपडेट तो नहीं हुआ ना, उसने प्लस करके दिखा दिया, दिखाएगा 1 पर यहां वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसा क्यों कर रहा है वो, ऐसा क्यों कर रहा है सोचो, देखो एरे का पहला एलिमेंट मशीन उसको 0 के नाम से जानती है, तो इनपुट हम 0 में लेंगे लेकिन हम चूंकि इंसान है तो पहले एलिमेंट को 1 के नाम से पहचानते हैं, तो डिस्प्ले 1 हो जाएगा, तो हमारे हिसाब से हमने पहले वाले में इनपुट किया और मशीन के हिसाब से इनपुट गया 0, ठीक है। तो ये देखें 10 टाइम्स इनपुट लेगा ये, कह रहा है ना एंटर द आवर्स वर्क बाय एम्प्लॉइज, 10 एम्प्लॉइज के डालें, तो पहले वाले एम्प्लॉय का डेटा डालें, अब इंग्लिश को नहीं गई ना, पहले को फर्स्ट 1, वो तो हमने अंदर प्रोग्राम में लिख रखा है, जब हम पहले का डेटा जा रहे हैं तो ये इसके कौन से एलिमेंट में जा रहा है, 0 में, और ये गया दूसरे वाले का जा रहा है 1 में, तीसरे वाले का जा रहा है 2 में,
समझ में आ रही है? यही तो आपके क्वेश्चन थे। अगर आपने ये समझे हैं तो आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं हुए होंगे। तो यहां पर समझाने के लिए हमने 10वें एम्प्लॉय का डेटा डाला है, जबकि वो एरे के 9वें एलिमेंट में जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम मशीन समझते हैं 0 से, हम समझते हैं 1 से। तो उसका बाद में इसका आउटपुट भी इसने सारे का दे दिया, ये देखिए। सही, आउटपुट में कैसे लिखी इसने स्टेटमेंट, एक मैसेज दिखाया आर्स यू एंटर्ड, और आगे कहा फोर का लूप चलाया और दोबारा से काउंट को स्टार्ट किया 0 से, काउंट को लेकर गए वो नंबर इंप्लाइज के लास्ट तक, और काउंट प्लस सेम लिखा है लूप। यहां पर ये स्टेटमेंट आउट की लिखी है, सी आउट स्पेस आर्स की वैल्यू और काउंट। तो फर्स्ट टाइम में 0 की वैल्यू दिखाएगा, दूसरे में 1 की, तीसरे की, चौथे की, इस तरह 9 एलिमेंट्स की आउटपुट दिखाएगा। अब आपका सवाल होगा, सर यहाँ तो ब्रेकेट लगाया था, यहाँ ब्रेकेट नहीं लगाया। तो भाई इसका जवाब इजी है, जब आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट लूप से परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उनको ब्रेकेट में लिखना है, एक से ज्यादा। और अगर एक ही है तो उसको उसके साथ चिपका के लिख देंगे, ब्रेकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लगाना चाहें तब भी ठीक है, नहीं लगाएं तब भी ठीक है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, दूसरी तीसरी स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, फर्स्ट वाली को कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई? तो इस तरह देखें, लूप के जरिए वो जो प्रोग्राम हम ज्यादा कोड लिखते उसमें कंट्रोल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था 600 हो जाए, तो अब इस पूरे प्रोग्राम में अगर मुझे 20 एंट्रीज करनी है तो इस पूरे प्रोग्राम में कहाँ चेंज करने की जरूरत है कि वो 20 का इनपुट लेगा और 20 का ही आउटपुट बताएगा। यहाँ पे कॉन्स्टेंट को हम यहाँ से 15 कर देते हैं तो पूरा प्रोग्राम खुद ही अपडेट हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो 15 का इनपुट लेगा और 15 का ही आउटपुट कर देगा। सही है? तो देखें, आज आपने इसको और सीख लिया कि कितने इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं।